सरकार द्वारा बड़े स्तर पर चलाए जा रहे एक पौधा माँ के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल डोईवाला के बुल्लावाला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया, जिसमें नगर पालिका परिषद डोईवाला व MDDA के साथ शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने भी अपना सहयोग दिया। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियाँ दूर दराज के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि यहाँ की आबोहवा व पर्यावरण काबिले तारीफ है। पर इस वर्ष जिस तरह गर्मी के प्रकोप ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसको लेकर सरकार भी पूरी तरह गंभीर है और अधिक से अधिक पौधे लगाए जाने को लेकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कई विभागों की पहल से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि जिस परिवार में शादी हो तो वो नव दंपत्ति एक एक पौधा अवश्य रूप से लगाए। ऐसे में निश्चित तौर पर हमारी यह मुहिम पर्यावरण को स्वच्छ रखने में पूरी तरह रंग लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक पेड़ माँ के नाम के निमित्त आज आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी माननीय कैबिनेट मंत्री जी द्वारा यहाँ पर पौधारोपण किया गया और उसके बाद शहीद उधम सिंह काम्बोज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर माल्यार्पण उनके द्वारा किया गया। और मैं समझता हूँ कि पर्यावरण की दृष्टि से जो पौधे हैं, हर व्यक्ति को पर्यावरण की दृष्टि से एक पेड़ अवश्य ही लगाना चाहिए, जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है पूरे देश के नाम कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम पर अवश्य लगाएँ। यदि माँ माता है तो उनके साथ में, और नहीं जिनकी माता जी नहीं है उनकी फ़ोटो के साथ एक पेड़ करके लगा के और सोशल मीडिया पर उसे ज़रूर अपलोड करें। तो जो पिछले विगत समय में हमने देखा है कि गर्मी का प्रकोप इस तरीके से इस बार हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए पेड़ बहुत जरूरी, हमारे जीवन के लिए पेड़ बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और हम सभी को हरेला पर्व पर एक पेड़ अवश्य हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जो भी आह्वान करते हैं लोग उसे हाथ-पांव लेते हैं, और आप देखिए कि एक पेड़ माँ के नाम लगातार लोग पूरे देश के अंदर और मेरे प्रदेश उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। जिनकी माँ जीवित है वो माँ को साथ में लेके, जिनकी माँ दिवंगत है वो उनके नाम से एक पौधा भी लगाएं, उसकी सुरक्षा भी करें। तो ये अभियान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस प्रकार से आज पर्यावरण दूषित हो रहा है, पर्यावरण में अंतर आ रहा है, और आवश्यकता लगती है कि कैसे हम इस प्रदूषण को दूर करें, पर्यावरण को सुरक्षित करें। तो एक ही उसका उपाय है कि हम लोग पौधारोपण ज़्यादा करें, उसकी सुरक्षा करें। इस क्षेत्र में तमाम स्थानीय लोगों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, यहाँ के ग्राम पंचायत और उनके प्रतिनिधियों के द्वारा, स्कूली बच्चों के द्वारा और अन्य हमारे नगर पालिका और MDDA के द्वारा यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है वृद्ध वृक्षारोपण। मैं उसके लिए इनको साधुवाद दे रहा हूँ।